हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और मैं आपका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही ज्यादा अलग हटके है, स्पेशली ट्विंस मॉम के लिए, क्योंकि उनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता है अपनी केयर करने का। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मुझे कभी भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो मैं कैसे करती हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना ये थोड़ा सा आपके साथ भी शेयर करूँ, तो आपको भी काम आएगा, क्योंकि पार्लर जाने के लिए और मतलब कुछ भी वहां कराने के लिए बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, जो कि हम लोगों के पास नहीं होता है। तो देखिए, फिर मैं आपको दिखाती हूँ घर पे ही कैसे ही बहुत ही सरल तरीके से ब्लीच कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे भी ज्यादा झंझट पसंद नहीं आती। ठीक है, चलिए फिर मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे जो है ओलिविया की ब्लीच ली थी, और ये जो ब्लीच होती है वो सभी स्किन के लिए अच्छी होती है, क्योंकि इसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है। ठीक है, और हाँ, अगर आप इसको पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको चेहरे पे लगाने से पहले आप इसको थोड़ा सा हाथ पे लगा के ज़रूर देखें। अगर आपको बहुत ज़्यादा रिएक्शन नहीं करती है तभी आप इसको चेहरे पर लगाएं। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पर जो ब्लीच का जो क्रीम का पैकेट निकलता है वो मैंने पूरा ही निकाल लिया था, आप देख सकते हैं। तो सॉरी फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया था, मैंने पीली क्रीम को पीली ही कटोरी पे निकाल लिया था। ठीक है, बाद में मैंने इसको देखा। और फिर यहाँ पे देखिए एक्टिवेटर निकलता है, तो एक्टिवेटर जो है बिल्कुल जरा सा ही यूज करेंगे। ठीक है, मैं आपको चम्मच में दिखा देती हूँ। और हाँ, इसको बहुत ज़्यादा चेहरे पे ना यूज करें, क्योंकि अगर आप अधिक लगाएंगे तो जो है आपका चेहरे पे बहुत ज़्यादा जलन भी हो सकती है, और जो है आपके जो बाल होते हैं ना चेहरे पर, वो सारे ब्राउन पड़ जाएंगे। उसके बाद हम इसको अच्छे से मिला लेंगे, आप देख सकते हैं, और इसको लगभग 2 से 3 मिनट तक खूब अच्छे से ही मिलाना है। ठीक है, जितनी देर आप इसको मिलाएंगे उतनी ही अच्छी रहेगी। उसके बाद जो है मैंने यहाँ पे क्लिप लिया था और अपने बालों को जो है अच्छे से जो है सेट कर लेंगे। और आप देख सकते हैं मेरा चेहरा यहाँ पे कितना ज़्यादा काला पड़ रहा था, क्योंकि मैं जो है खुले में रहती हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि खुले में स्किन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और ये देखिए, फिर मैं जो है इसको उंगली से लगा लूँगी अच्छे से, और फिर मुझको ज़्यादा टाइम भी नहीं मिलता है खुद की केयर करने का। तो आप देखिए, इसके बाद हम जो है इसको अच्छे से पूरे पे लगा लेंगे। ठीक है, जितनी भी है आप इसको थोड़ा सा गर्दन में भी लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि गर्दन भी अपनी है तो उसको भी थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और उसके बाद में जो है इसको लगभग 10 से 12 मिनट छोड़ने के बाद हम जो है एक चम्मच लेंगे। चम्मच से आप देख सकते हैं इसको हम हटा देंगे। और हाँ, इसको लगाने के बाद आपके थोड़े से आंसू भी आएंगे और चेहरे पे थोड़ा बहुत सा चींटी जैसी भी काटेंगी, तो उसमें बिल्कुल आपको घबराने की नहीं है। ठीक है, और आंसू भी बहुत ज़्यादा निकलेंगे, थोड़ा सा झरप भी लगेगी, आप देख सकते हैं मेरे कितने ज़्यादा आंसू निकल रहे हैं। और ये देखिए, फिर चम्मच से मैंने इसको पूरा साफ़ कर दिया था, ये देख सकते हैं आप, और आप मेरे चेहरे पे फ़र्क देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको चेहरा धुल के दिखाती हूँ, तो आप देखिए कितना ज़्यादा फर्क आ चुका है पहले से, तो आप भी इसको जरूर तो देखा करें। आपने हमने कितनी आसानी से घर पर ही ब्लीच कर लिया और पार्लर के भी पैसे बचा लिए और प्लस अपना टाइम भी बचा लिया। ठीक है फ्रेंड, तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए लाती रहूंगी, और प्लीज थोड़ा सा अपना सपोर्ट और प्यार जरूर दें। सो थैंक यू फ्रेंड।